हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप नए व्यूवर्स हैं और हॉरर कंटेंट पसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है एल-सिन, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, जिसे हसन काराकाडी ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, ये बहुत ही क्रीपी और बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुझे भी इस मूवी को देखते समय गूज़बम्स आ गए थे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मूवी की तरफ। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये मैसेज दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि अंटोलिया शहर में हर साल 1400 लोग गायब हो जाते हैं, जिसका कोई ठोस सबूत या कारण नहीं पता चलता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक कमरे के रॉकिंग चेयर पर एक डरावनी सी डॉल रखी हुई है और दूसरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो चेयर अपने आप ही हिलने लगती है। कमरे की दूसरी तरफ एक लड़की सो रही थी, जो अचानक उठकर घर से बाहर चली जाती है और दूसरे कमरे का दरवाज़ा ताले से खोलकर कमरे के अंदर एंटर होती है। उसके हाथों में वही डरावनी गुड़िया थी। वो वहाँ अंदर वाले कमरे में जाती है जहाँ का नज़ारा बहुत ही डरावना था। वो अंदर एक डरावनी बॉडी को देखती है जिस पर कीड़े ही कीड़े मंडरा रहे थे और वो उस बॉडी से डरकर कमरे से बाहर आती है, जहाँ उसे कोई शैतानी ताकत पकड़ लेती है और अंदर कमरे में पड़ी बॉडी जाग जाती है। सीन यही कट होता है और एक आदमी फ़ोन पर एक न्यूज़ रिपोर्टर से बात कर रहा होता है। वह आदमी उसे बताता है जो लड़की गायब हुई है उसके पीछे कोई शैतानी कारण है जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं, जिस पर वो रिपोर्टर कहता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें उस घटना को छिपाने के लिए की गई है। उस लड़की का शायद किडनैप कर मर्डर हो गया होगा। वह आदमी उस रिपोर्टर की बात को नकारते हुए कहता है कि ईयर 1983 में मुजफ्फर नाम के लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उस समय डेमन यानी कि शैतान की आवाज़ एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है और वो रिपोर्टर उस आदमी की बात को बिना सुने फ़ोन काट देता है और हम देखते हैं कि वो डेमन की रिकॉर्डेड टेप प्ले होती है, जिसमें मुजफ्फर ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और डेमन उसे उठा ले जाता है। सीन चेंज होता है वो तूफान नाम का एक लड़का क्लब में थोड़ा अपसेट बैठा हुआ था, जबकि उसके दोस्त बरीज और अकीन पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। बरीज उसके लिए ड्रिंक लाता है और उससे कहता है कि वो कब तक अपनी गर्लफ्रेंड से हुए झगड़े को लेकर मायूस रहेगा और वो उसे अकीन की फीमेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने को कहता है। इधर तूफान की गर्लफ्रेंड ज़ैनब अपनी फ्रेंड जायले के घर होती है, जो कि टेरो कार्ड रीडर थी। वो ज़ैनब के कार्ड रीड कर रही थी और कार्ड के अनुसार वो ज़ैनब को बताती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। ज़ैनब उस शख्स के बारे में उससे पूछती है तो जायले उसे एक और कार्ड निकालने को कहती है जिस पर कि शैतान का नाम लिखा था। बात को पलटते हुए जायले कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से हुई लड़ाई को भूलकर बाहर एंजॉय करना चाहिए, जिस पर ज़ैनब कहती है कि उसका मन नहीं है, लेकिन जायले के फोर्स करने पर वह चली जाती है। ये लोग उसी क्लब में जाते हैं जहाँ तूफान और उसके फ्रेंड्स थे और उन्हें वहाँ तूफान किसी दूसरी लड़की के साथ दिखता है जो अकीन के साथ आई थी। ज़ैनब गुस्से में तूफान को थप्पड़ मारकर बाहर अकेले ही चली जाती है और तूफान उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों की सड़क पर खूब लड़ाई होती है। तूफान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ैनब गुस्से में उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से पैदल ही चली जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते में खाली घर से ज़ैनब को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस बहुत सारे कॉकरोचेस थे जो कि एक सैटेनिक फिगर में तब्दील हो जाते हैं। और ज़ैनब को एक विज़न आती है जिसमें एक लड़की पानी में डूब रही होती है और वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। तूफान ज़ैनब के पीछे पीछे आता है और ज़ैनब की ज़ोरदार चीख सुनकर उस घर में जाता है, जहाँ उसे ज़ैनब बेहोश पड़ी मिलती है। वो ज़ैनब को उठाकर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में ज़ैनब की मॉम और बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर ज़ैनब की मॉम को बताते हैं कि ज़ैनब को किसी तरह का शॉक या सदमा लगा है, जिससे कि उसकी मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट इरेज हो चुका है और इसी कारण से उसे कल जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। डॉक्टर और ज़ैनब की मॉम के जाने के बाद उसके बाकी के फ्रेंड्स उससे मिलने जाते हैं, जहाँ तूफान उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है और उस घर में जो भी कुछ हुआ था
उसके बारे में पूछता है, लेकिन ज़ैनब को कुछ भी याद नहीं था। सभी लोग ज़ैनब को हॉस्पिटल में आराम करने के लिए छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। तूफान अपने कमरे में बैठकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने फ्रेंड से चैट कर रहा होता है। अचानक वो देखता है कि सामने बोर्ड पर लगी उसकी और ज़ैनब की फ़ोटो अपने आप ही सड़कर गलने लगती है। वो उसे छूकर देखता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है और उसके नाखून काले पड़ने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में ज़ैनब को अपने रूम के बाहर एक छोटी लड़की दिखती है जिसकी गुड़िया नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। ज़ैनब जब गुड़िया को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो लड़की अचानक उससे गुड़िया छुड़ा लेती है और वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। ज़ैनब वहाँ से वॉशरूम की ओर जाती है और वो भी ये देखती है कि उसके नाखून भी काले पड़ रहे हैं। तभी वॉशरूम की बिजली अचानक चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब ज़ैनब आईने में खुद को देखती है तो उसे खुद का एक अलग ही चेहरा नज़र आता है, जिससे डरकर वो बाहर कॉरिडोर की तरफ भाग जाती है, जहाँ सीढ़ियों पर उसे दो बच्चे दिखते हैं जो काफ़ी डरावने थे। ज़ैनब भागकर फिर अपने कमरे में आ जाती है और यहाँ भी कोई उसके कमरे में वही गंदी सी गुड़िया फेंक कर चला जाता है। ज़ैनब को लगता है ये उसी लड़की की गुड़िया है और उसी लड़की ने ये हरकत की है। वो उसे पकड़ने के लिए बाहर जाती है और ज़ैनब खुद को एक डरावने घर में पाती है, जहाँ उसे दरवाजे के पीछे किसी के हाथ दिखाई पड़ते हैं और उसे आईने में कोई परछाई दिखाई पड़ती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल की नर्स उसे होश में लाती है और ज़ैनब खुद को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पाती है। सीन चेंज होता है और तूफान अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके फ़ोन पर ज़ैनब का कॉल आता है और ज़ैनब उसे तुरंत एक अनजान जगह पर आने को कहती है। तूफान उसकी मदद के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और ज़ैनब की बताई जगह पर आ जाता है। सामने ज़ैनब खड़ी थी और वो तूफान को देखकर वहां से घर की तरफ भागती है। ये वही घर था जो कि मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन में दिखाया गया था। तूफान ज़ैनब के पीछे अंदर उस घर में जाता है और देखता है कि ज़ैनब सामने बैठी है। वो तूफान की तरफ देखती है और वो उसके सर पर एक लकड़ी के डंडे से मार देती है, जिससे कि तूफान नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि वहाँ ज़ैनब की जगह एक डरावनी औरत है और वो बार बार तूफान से कह रही है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। तूफान उससे बचकर वहाँ से भागता है और सीधा हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर ज़ैनब एडमिट थी। ज़ैनब तूफान से कहती है कि उसने उसे कोई कॉल नहीं किया और वो तो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही थी। वो तूफान से ये भी कहती है कि उसे भी डरावने सपने आ रहे हैं, जिसमें एक औरत अपनी बच्चे के बारे में उससे पूछ रही है। इधर उन दोनों के ही नहीं बल्कि सारे दोस्तों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी और सभी दोस्तों के नाखून काले पड़ रहे थे। ज़ैनब और तूफान अपने सभी दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं, पर एकिन कहता है कि वो जो पानी पीते हैं उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने से उनके नाखून काले पड़ रहे हैं और किसी वायरस के कारण उन्हें हेल्यूजिनेशंस आ रहे हैं। जायले जो कि टेरो का रीडर थी, वो कहती है कि उन्हें किसी आत्मा से बात करके पूछना चाहिए, जिस पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से सभी दोस्तों को कन्विंस कर लेती है। रात को सभी फ्रेंड्स जायले के बताए अनुसार आत्मा से कांटेक्ट करने के रिचुअल में शामिल हो जाते हैं। जायले सभी से कहती है कि रिचुअल के दौरान सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा। रिचुअल चल ही रहा था कि अचानक ज़ैनब का फ़ोन बजने लगता है। ज़ैनब वहाँ से उठकर कॉल उठाने चली जाती है, जिससे कि रिचुअल पूरा नहीं हो पाता और फ़ोन पर पता चलता है कि ज़ैनब की मॉम घर आ रही है, जिस कारण सभी दोस्तों को वहाँ से जाना पड़ता है। सभी दोस्त अपने घर जा चुके थे। जायले अपने घर पर टीवी देख रही थी कि अचानक टीवी अपने आप बंद हो जाती है। जायले टीवी का प्लग चेक करने के लिए अपनी जगह से उठकर टीवी के पास जाती है और तभी अचानक पूरे रूम की लाइट बंद हो जाती है और जब जायले पलटती है तो वो खुद की डेड बॉडी को सोफे से सटा हुआ देखती है और उसके पास दो भयानक आंखें चमक रही है। और तभी जायले के फादर उसे होश में लाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। सेम थिंग बरीस के साथ भी हो रही थी। बरीज अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, साथ ही लैपटॉप पर म्यूजिक चल रहा था। तभी बरीज की मॉम उसके कमरे में आती है और वहाँ की खिड़की लगाकर बरीज को म्यूजिक कम करने को कहती है, क्योंकि उसके फादर दूसरे कमरे में सो रहे थे। बरीज म्यूजिक बंद कर देता है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम के जाने के बाद उसका लैपटॉप का म्यूजिक अपने आप ही तेज़ आवाज़ में बजने लगता है, क्योंकि बरीज के फादर दूसरे कमरे में सो रहे थे। उसकी मॉम एक बार फिर बरीज के रूम में आती है, लेकिन इस बार वो बहुत ही गुस्से में थी। बरीज की मॉम की गर्दन अजीब तरह से चटक रही थी। वो ज़मीन पर बेसुध गिर जाती है
और उसकी शक्ल एकदम से बदलने लगती है। बरीस के पीछे काले लिबास में एक औरत खड़ी थी। तभी बरीस को होश आता है और उसे पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। बरीस के लैपटॉप का म्यूज़िक अभी भी चल रहा था और वो खिड़की भी खुली थी। बरीस इस भयानक दृश्य संभला ही था कि उसकी मॉम गुस्से में उसके कमरे में आती है और वो खिड़की को दोबारा लगाती है। बरीस सोच ही रहा था कि जो भी हो रहा है वो तो पहले ही हो चुका है। इतने में उसकी मॉम बेहद ही गुस्से में और डरावनी आवाज़ में म्यूज़िक बंद करने को कहती है और उसकी आँखें काफ़ी डरावनी थी, जिसे आप भी देख सकते हैं। अब इन पांचों फ्रेंड्स का जीना मुश्किल हुआ पड़ा था। सभी को तरह तरह के विजन्स आ रहे थे जिसका कारण उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। अगली सुबह सभी आपस में इन हॉन्टिंग्स के बारे में बात करते हैं और जायले सभी से कहती है कि उन्हें किसी होजदा यानी कि झाड़फूक वाले से बात करनी चाहिए, जिस पर बाकी के फ्रेंड्स सहमति नहीं जताते। लेकिन और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण उन्हें जायले की बात माननी पड़ती है और वे तुरंत उस होजदा के पास चले जाते हैं। होजदा एक बड़े से पानी के बर्तन में कागज़ पर कुछ स्पेल लिखकर कागज़ को उस बर्तन में डालता है, जिसमें कि एक जिंदा मछली भी थी। जब वो कागज़ पूरा भीग जाता है तो होजदा उस कागज़ को निगल लेता है। वो निगलते ही उसे उल्टी आने लगती है और उसके मुंह से एक बड़ी सी सुई निकलती है। वो सभी लोगों को आँखें बंद करने का बोलता है और वो सुई उस जिंदा मछली में दे मारता है, जिससे कि ज़ेनाप उठकर दूसरी भाषा में कुछ बोलती है, जिसका मतलब था कि इन सभी ने डेमन के पास जाने का फैसला खुद किया है और ये सभी सजा के लायक हैं। होजदा सुई निकाल लेता है और सब पहले की तरह हो जाता है। होजदा उन्हें बताता है कि समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी और ख़तरनाक है, वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक शख्स को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। वो उन पाँचों फ्रेंड्स को उस पुराने घर में जाने को कहता है जहाँ की उन्हें विजन्स आते थे, और तब तक होजदा उस इंसान को वहाँ लेकर आ जाएगा। तूफान, ज़ेनाप और सभी फ्रेंड्स उस घर में जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही देर में होजदा एक व्यक्ति को लेकर वहां आता है जिसका नाम आकेब था और वो इस्तानबुल का रहने वाला था। वो उन्हें तीन डार्कनेस के बारे में बताता है, एक जन्म से पहले की डार्कनेस, दूसरी मरने के बाद की डार्कनेस और तीसरी जो सबसे खतरनाक थी, सोने के बाद की डार्कनेस, क्योंकि नींद में व्यक्ति आधा मरा हुआ होता है, इसीलिए उन्हें सपनों में भयानक विजन्स आ रहे थे। आकेब ज़मीन पर बैठता है और होजदा उसे एक लाल कपड़े से ढक देता है, जिससे कि वो सीधा दूसरे पोर्टल में पहुंच जाता है, जहां वो एक सांप को देखता है और सांप के हमला करने से पहले वो लाल चादर हटा देता है। आकेन सभी से पूछता है कि उन्होंने सांप के साथ क्या किया। आकेन के इस सवाल से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और सांप वाली बातें उन्हें याद आती है। वे सभी एक हफ्ते पहले पासी के एक बीच पर मस्ती करने गए थे, जहां वे एक सांप को उसके बिल से निकालकर पकड़ लेते हैं और उस बेजुबान जानवर को एक पॉलीथीन में बांधकर समंदर के किनारे फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस सांप को उन्होंने फेंका है दरअसल वो एक जिन है, जो अपनी घायल माँ के साथ सांप का रूप लेकर रह रहे थे और इसी जिन की माँ उन सभी फ्रेंड्स से अपनी बेटी का बदला ले रही थी। सभी फ्रेंड्स को लगता है कि वो सांप तो अभी तक मर गया होगा, जिन्न की माँ उन्हें मार देगी। लेकिन आकिन कहता है कि सांप बिना खाने और पानी के 10 से 12 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और उन्हें बिना वक्त गवाए वहाँ जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सभी फ्रेंड्स उसी बीच पर जाते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार वे सभी उस पॉलीथीन बैग को ढूंढ लेते हैं जिसमें कि वो जिन्न सांप के रूप में थी। वे सब यही दुआ कर रहे थे कि वह अंदर जिंदा हो। वे पॉलीथीन खोलते हैं और उस सांप को बाहर निकालते हैं। खुशकिस्मती से वो सांप जिंदा था। वो चलकर आगे चली जाती है और अपने असली रूप में आती है। वो जिन जिंदा तो थी लेकिन बहुत ही घायल थी। वो उन सभी पांचों फ्रेंड्स को गुस्से भरी नज़रों से देखती है और अपनी माँ के पास चली जाती है, जो उसका बेदर्दी से इंतज़ार कर रही थी। ये सारी बातें वो आदमी उस न्यूज़ रिपोर्टर को कॉल पर बता रहा था, जो कि मूवी के स्टार्टिंग से बातचीत चल रही थी। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही होजदा होता है। रिपोर्टर पूछता है कि वहाँ से आने के बाद उन पांचों फ्रेंड्स का क्या हुआ, जिस पर होजदा बताता है कि वो पांचों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में गए थे और एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ से अचानक ज़ेनब गायब हो जाती है। लगभग एक महीने तक बाकी के लोग उसे ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और अंत में वे फिर एक बार होजदा के पास आते हैं,
जहाँ आकेब उनसे मिलता है, वो उन सबसे कहता है कि हुजदा यहाँ नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि तुम सब लोग यहाँ आने वाले हो, इसलिए वो रिचुअल की पूरी तैयारी करके गए हैं जिसे आकेब परफॉर्म करने वाला है। आकेब सभी को बताता है कि वो जिन बच नहीं पाई और मारी गई, और सजा के तौर पर कुल्लूस कबीले के जिन जैनब को अपनी दुनिया में ले गए, और अगर वे जैनब को वापस चाहते हैं तो उन्हें भी जिन की दुनिया में जाकर कुल्लूस कबीले के जिन को ये बताना होगा कि जैनब ने उस बच्चे को नहीं मारा और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक घटना थी। आकेब सारी तैयारी कर चुका था, वो सभी को सफ़ेद बोरे में बंद करके रस्सी से बांध देता है। एकिन अपने मोबाइल के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही डरा हुआ था। आकेब रिचुअल शुरू करता है और आसपास से डरावनी आवाज़ें आने लग जाती है, जिससे कि आकिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अंदर से ही हुजदा को कॉल करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि आकेब तो हुजदा के साथ ही है और जो उनके साथ ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा है वो आकेब नहीं बल्कि कुल्लूस कबीले का ही एक जिन्न है और वो सभी को अपनी दुनिया में ले जाने आया है। यह सुनकर एकिन एक चाकू से उस रस्सी को काट कर बाहर आता है, लेकिन वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। वो सभी को ढूंढता है और वो देखता है कि बाकी के फ्रेंड्स बुरी तरह से बंधे पड़े हैं, कीड़े उनकी जिंदा बॉडी को खा रहे हैं और उनकी रूह को जिन अपनी दुनिया में ले गया है, और देखते ही देखते आकिन को भी वो कुल्लूस कबीले का जिन अपनी दुनिया में ले जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर हुजदा का मजाक उड़ाते हुए एक सवाल करता है कि अगर जिन उन्हें दूसरी दुनिया में ले गए हैं तो क्या वहाँ वे जिंदा होंगे या मर चुके होंगे। लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर को दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज़ के साथ हुजदा की एक चीख सुनाई देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी सीधी और सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग और एंड में जो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई जाती है वो असल ज़िंदगी वाली जैनब की थी, जो कि अभी तक लापता है। मूवी काफ़ी क्रीपी है और इसके कई सारे सीन्स बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अगर आप भी ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये इजीली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही ख़राब ट्रांसलेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हॉरर अभी बाकी है।